रेडी चलो क्या यार रेडी ट्रांसफर ले लेंगे रेडी हाँ चलो रेडी सर निजाम सर आपकी क्या याचिका थी और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को क्या निर्देश दिया हमारी याचिका हमने चुनाव आयोग को एक रिप्रेजेंटेशन भेजा था कि क्योंकि मौसम विभाग ने दिल्ली भारत के कई भागों में भीषण गर्मी या हीट वेव का की वार्निंग दी है और साथ ही साथ रमज़ान भी शुरू हो रहा है तो अगले तीन चरण का जो मतदान होने वाला है 6, 12 और 19 मई को उसमें पोलिंग 7 बजे के बजाय सुबह 5 बजे से शुरू हो जाए ताकि लोग गर्मी पड़ने से पहले खासतौर पर मुसलमान जो रोज़े में बाहर नहीं निकल पाएंगे वो अपना मत डाल सकें तो उस पर चुनाव आयोग ने कोई प्रतिक्रिया जाहिर की थी ना कोई उन्होंने कार्रवाई की थी तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह निर्देश दिया है कि वो इस पे फैसला लें और कोई ना कोई आदेश पारित करें क्या कोई टाइमलाइन दिया है चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में सिर्फ ये कहा है कि चुनाव आयोग इस पे आदेश पारित करे लेकिन क्योंकि 6 तारीख से मतदान शुरू है और 6 तारीख से ही रमज़ान भी शुरू होने का इम्कान है इसलिए मेरे ख्याल से चुनाव आयोग को 6 तारीख से पहले इस पे कोई ना कोई फैसला लेना चाहिए और कोई निर्देश देना चाहिए जो हीट वेव का जो नोटिफिकेशन है वो क्या उन राज्यों में है जहां पर चुनाव है तो हीट वेव का जो नोटिफिकेशन है उसमें आप देखेंगे जो मौसम विभाग ने नोटिफिकेशन दिया है हीट वार्निंग दी है वो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राजस्थान दिल्ली हिमाचल हरियाणा तो वो ये वही स्टेट्स हैं सारे बिहार ये वही सारे वही स्टेट्स हैं वही राज्य हैं जो अब 6, 12 और 19 को आखिरी तीन चरण में मतदान के लिए जाएंगे तो इसलिए ये मतदान के दौरान यहाँ पे भीषण गर्मी पड़ रही होगी I had filed a petition in the Supreme Court because I had made a representation to the Election Commission saying that because the Indian Meteorological Department has declared has given a heat wave warning and polling is supposed to start for the next three phases from 6th so it's on 6th 12th and 19th and on these dates in the same states where polling is to be held there's going to be extreme weather conditions where up to 5 degrees Celsius above normal temperatures are going to be reported so I had said that because Ramzan is also starting on the 6th it will be very difficult for voters in this heat particularly Muslims who will be fasting to come out and exercise their franchise therefore I had requested the Election Commission to advance polling hours instead of 7 a.m. to 5 a.m. so that people and particularly Muslims can go out during the day during their fast and vote. The Election Commission had passed no direction and not even acknowledged the representation that we had made. Supreme Court today has directed the Election Commission to decide our representation and pass appropriate orders. मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट हीट वेव वार्निंग विच आर बिहार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राजस्थान दिल्ली चंडीगढ़ हरियाणा हिमाचल एंड दीज आर द सेम स्टेट्स दैट यू विल नोटिस विच आर गोइंग टू पोल्स ऑन द 6th 12th एंड 19th देयरफॉर इन द स्टेट्स वेयर ऑन द डे व्हेन पोलिंग इज गोइंग टू बी हेल्ड देयर गोइंग टू बी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस वेयर टेंपरेचर अप टू 5 डिग्रीज अबव नॉर्मल आर गोइंग टू बी रिपोर्टेड सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पोलिंग टू स्टार्ट अर्लियर सो दैट पीपल कैन वोट बिफोर द हीट ऑफ द डे हिट्स I am Nizam Pasha, advocate, and I had filed this petition in my personal capacity, and I am the petitioner in this matter.